गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ सिंह। दोनों चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके थे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के। रिवीजन के तौर पे हम कुछ पॉइंट्स को ऐसे देख लेते हैं जो पॉइंट्स हमारे लिए ज़रूरी है। आज पहला चैप्टर हम देख रहे हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी का। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी पे हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी को हम लोकतंत्र कहते हैं और लोकतंत्र में सभी लोग एक समान होते हैं। यहाँ पे संविधान के तौर पे हमको एक वोट की आज़ादी दी गई है, एक वोट का अधिकार दिया गया है। और इस वोट के अधिकार का सीन ऐसा है कि सभी को एक ही वोट दिया गया है कि आप एक वोट अपना कास्ट कर सकते हैं किसी भी एक कैंडिडेट के चुनाव के लिए, और सभी के वोट की वैल्यू एक ही है। कभी भी ऐसा नहीं देखा जाएगा भारत में, अभी नहीं देखा गया है इस तरह का कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास रुपए पैसे ज़्यादा हैं उसे एक से ज़्यादा वोट करने का अधिकार हो या फिर उसके वोट की वैल्यू आपसे कहीं ज़्यादा हो। ऐसा हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आपका राइट टू इक्वालिटी पे वोट करना आपका एक समान अधिकार के तौर पे फंडामेंटल राइट है, और आपको वोट करने का अधिकार है। आप जिसे भी, जिस कैंडिडेट को आप चुनना चाहते हैं उसे। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में कहने का मतलब है कि एक सरकार चुनी जाती है डेमोक्रेटिक तरीके से, उसमें आपके पास पावर होती है किसी भी व्यक्ति को चुन लेने की, है ना। इसमें डेमोक्रेसी में आपकी मोनार्ची जैसे कोई भी सिम्टम नहीं होते हैं कि मोनार्ची में अगर कोई राजा है तो राजा का जो उत्तराधिकारी होगा वही राजा बनेगा, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में सीन ये है कि अगर आप आज के टाइम पे अगर कोई प्रेसिडेंट है तो अगर 5 साल प्रेसिडेंट का कार्यकाल टाइम पीरियड अगर पूरा हो जाता है तो उस 5 साल बाद दोबारा आपका चुनाव कराया जाता है, कंडक्ट करवाया जाता है आपका इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और उस इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसमें पार्टिसिपेट करते हैं आपके द्वारा चुने हुए लोग। जो आपके द्वारा चुने हुए लोग रहते हैं वो उसमें आपके रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए। अगर हम एक नॉर्मल इंडिविजुअल एमपी की बात करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो उसमें आपके पास पावर होती है। आप किसी रूलिंग पार्टी के एमपी को जिता सकते हैं, अपोजिशन पार्टी के एमपी को जिता सकते हैं, किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जिता सकते हैं। तो ये पावर आपके वोट की है। और लोकतंत्र में आपका जो शासन होता है वो जनता के हाथ में होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधे जाके प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इसका मतलब ये है कि आपके द्वारा चुने हुए कैंडिडेट, जनता के शासन का मतलब होता है कि आपके द्वारा चुने हुए कैंडिडेट जिनको आपने अपनी सहमति से जिताया है वो कैंडिडेट यहाँ पर रूल करते हैं और आपके रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को गवर्न करते हैं, इस पूरे देश को गवर्न करते हैं। ये आपका लोकतंत्र का मतलब है। ओके, डेमोक्रेसी में सभी के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है। अगर आप 25 ईयर ओल्ड के हैं तो आप एलिजिबल हैं लोकतंत्र में, अपने भारत की डेमोक्रेसी में उस क्राइटेरिया को आप पूरा कर रहे हैं जिस पे आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस पे आप चुनाव लड़ भी सकते हैं और इस पे आप पॉसिबिलिटी है कि आप इंडिपेंडेंट चुनाव जीत जाएं। आप चाहें तो किसी पार्टी के साथ जुड़ के उससे टिकट लेके आप चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एक व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है और अगर उसका छवि अच्छी है तो वो जीत भी सकता है। मेजर डिसीजंस बाई इलेक्टेड लीडर्स, इस पे एक पाकिस्तान का उदाहरण दिया गया था कि परवेज़ मुशर्रफ जो कि पाकिस्तान के मिलिट्री के जनरल हुआ करते थे उस टाइम पे, आपका 1999 के तकरीबन, जिस टाइम पे आपका भारत में कारगिल युद्ध भी हुआ था। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि एक जो मेजर डिसीजंस लेने की जो शक्ति है, जो ताकत है, वो एक इलेक्टेड व्यक्ति के पास ही होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्टेड व्यक्ति को ही लोगों का समर्थन प्राप्त होता है और इलेक्टेड पर्सन ही लोगों का असल रिप्रेजेंटेटिव होता है। आपका जो पाकिस्तान का उदाहरण लिया गया है कि मेजर परवेज़ मुशर्रफ जो कि पाकिस्तान के जनरल के तौर पे अपॉइंट थे, वो व्यक्ति पाकिस्तान की सरकार का तख्ता पलट कर देता है, गवर्नमेंट को डिसॉल्व करके वहाँ पे अपने आप को स्टेबल कर लेता है और धीरे धीरे फिर वो मेन एग्जीक्यूटिव बन जाता है। और बाकी जो लोग रहते हैं, जो इलेक्टेड पर्सन रहते हैं उस सरकार में, उनकी पावर्स को ना के बराबर कर दिया जाता है, उनको बहुत निचले तौर पे पावर दी जाती हैं जिनका कोई खास मतलब नहीं निकलता है। और जो मेन पावर रहती है वो परवेज़ मुशर्रफ के पास होती है। अब वो किसी तरह का भी डिसीजन ले सकता है, एक तरह से ये डिक्टेटरशिप के फॉर्म पे आ जाती है गवर्नमेंट अगर कोई तख्ता पलट कर देता है किसी सरकार का।
और परवेज मुशर्रफ जिसने कि पाकिस्तान में तख्ता पलट किया था। पाकिस्तान में हालांकि बहुत बार तख्ता पलट हो चुका है, वहाँ पे ये नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप आपका तैयार हो जाता है और इस पे ना ही जनता का सपोर्ट रहता है और ना ही जनता की भावनाएं जुड़ी रहती हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि जनता का शोषण होता है और इसमें डेमोक्रेसी का कोई रोल कॉल बसता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो मेजर डिसीजंस लेने की जो पावर्स होती हैं वो किसके पास होनी चाहिए, जो इलेक्टेड पर्सन्स होते हैं सिर्फ उनके पास मेजर डिसीजंस लेने की पावर होनी चाहिए। बाकी जो व्यक्ति ऐसे ही आ जाते हैं कि तख्ता पलट करके आ गए या फॉल्स इलेक्शन करा के आ गए, उनके पास डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं होनी चाहिए। एक आपका और फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल का है। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल का हमने चाइना से एग्ज़ाम्पल लिया था कि चाइना में आपकी कम्युनिस्ट पार्टी है और वो हमेशा से सत्ता में बनी हुई है और उसने इतने साल से चुनाव जीते हैं और इतना उसने वहाँ पे कमांड हासिल कर लिया है चाइना की गवर्नमेंट में, चाइना की प्रॉस्पेरिटी में, कि अब उसे हटा पाना नामुमकिन की बात है। और फिलहाल अभी आपने अगर आप न्यूज़ देखते हैं या करंट अफेयर्स आप अपडेट रहते हैं तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग, उसे कह दिया गया है कि वो आजीवन लाइफ टाइम के लिए वही प्रेसिडेंट है, जब तक उसकी लाइफ है तब तक वो प्रेसिडेंट पद पे बना हुआ रहेगा। तो ये जो सेटअप है इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप डेमोक्रेटिक सेटअप तो कहेंगे नहीं। डेमोक्रेटिक सेटअप में जो पावर होती है वो जनता के पास होती है और पावर किस रूप में होती है, पावर होती है आपके वोट करने की ताकत पे, आपके वोट करने की अपॉर्चुनिटी पे पावर होती है जनता के पास वोट करके। क्योंकि सरकार का जब भी टाइम पीरियड ख़त्म होता है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है कि आप किस तरह की सरकार को फॉर्म करना चाहते हैं अपने देश को चलाने के लिए। तो चाइना का जो उदाहरण लिया गया था फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल पे, तो रोल ये था कि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वही सत्ता पे बनी रहती है और किसी को भी अगर चुनाव लड़ना है, तकरीबन 3000 कैंडिडेट्स हैं, 3000 मेंबर्स हैं जिनको चुनाव लड़ना है, तो उसे कम्युनिस्ट पार्टी से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, आपका अगर ऐसा होता है तो चुनाव आपको नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो उनको किसी को भी अगर चुनाव लड़ना है तो पहले परमिशन लेनी पड़ती है किससे, कम्युनिस्ट पार्टी से, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप एलिजिबल कहलाएंगे चुनाव लड़ने के लिए, उसके बाद आप चुनाव में पर्चा भर के उस पर खड़े हो सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में आती हैं, इसको हम लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल आपका मैक्सिको का लिया गया है, वहाँ पर हर 6 साल में आपका प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, पावर प्रेसिडेंट के पास रहती है और वो हर बार जो आपकी पीआरआई पार्टी है, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, वो हर साल आपका चुनाव जीत जाती है। तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कैसे होता है, उसको किस तरह से फ्रॉड किया जाता है, इसके ऊपर है। तो पीआरआई जो पार्टी है वो काफ़ी साल से सत्ता में बनी हुई है, साथ में वो कराते तो चुनाव ही हैं, कराते चुनाव हैं, लेकिन किस तरह से फॉल्स चुनाव कराया जाता है, किस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल नहीं होता है, उसका एक एग्जांपल है। पीआरआई पार्टी चुनाव हमेशा लड़ती है और हमेशा जीत भी जाती है, उसका रीज़न क्या है, अपोजिशन पार्टीज़ ने मिलके बहुत जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं और भी जितनी पार्टीज़ हैं सभी ने मिलके फॉर्म किया और एक संगठन बनाया, उन्होंने कहा कि इस बार पीआरआई को हराना है और इस बार जीतना है। लेकिन पीआरआई का रोल ऐसा है कि वो बहुत साल से सत्ता में है, उसके पास रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं, उसके पास लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, साथ में उसके पास जो मीडिया है, जो प्रिंट हाउस है, ये भी उसके पास है। तो सीन ये लोग ऐसा करते हैं, इलेक्शन कमीशन भी इनके अंडर पे काम करता है, तो पीआरआई वाले करते ये हैं कि जब भी इलेक्शन कैंपेन चलता है, जब भी चुनाव प्रचार होता है, तो लोगों के पास सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स की जानकारी आती है न्यूज़ के द्वारा, जितने भी आपके प्रिंट मीडिया है या फिर मीडिया हाउसेस वगैरह हैं और प्रेस वगैरह है, इसके थ्रू लोगों के पास जानकारी जाती है। तो पीआरआई करती ये थी कि जितने भी अपोजिशन पार्टी के लीडर्स होते थे, जो कैंडिडेट्स होते थे, उनके लिए वो फॉल्स न्यूज़ आपका जनरेट करवाती थी। वो मीडिया से कहती थी कि जो हमारे कैंडिडेट हैं, जो पीआरआई के कैंडिडेट्स हैं, आप उनकी अच्छाइयों के बारे में दिखाएंगे और जो कि अच्छाई हो चाहे ना हो आप फिर भी अच्छाई ही दिखाएंगे, पार्टी की छवि को बेहतर बनाएंगे और
जो अपोजिशन पार्टी के कैंडिडेट्स हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ आप क्रिटिसिज्म करने के लिए ही इस न्यूज़ को चलाएंगे। तो इससे ये होता था कि लोगों के पास जो कि ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, जो ज़्यादा अवेयर नहीं है, जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है कैंडिडेट्स के बारे में, तो वो न्यूज़ देख के या प्रेस को पढ़ के, न्यूज़पेपर पढ़ के, वो इसी को मान लेते थे कि ये कैंडिडेट ऐसा है और ये कैंडिडेट कैसा है। इसी तरह में साथ साथ एक और चीज़ होती थी कि जितने भी स्कूल के टीचर्स वगैरह होते थे, स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह होती थी, वहाँ पे वो लोग ये करते थे कि जितने भी बच्चे वहाँ पढ़ते थे उन सभी के पेरेंट्स को ये कहते थे, फोर्सफुली ये चीज़ कहते थे कि आपको पीआरआई को वोट करना है, अगर आप पीआरआई को वोट नहीं करेंगे तो हम आपके बच्चों को या तो फेल कर देंगे, या तो उनका एकेडमिक मार्क्स ख़राब कर देंगे, या उनके बच्चों के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं उनके फ्यूचर को लेके। तो टीचर्स के इन्फोर्स करने पे वोट पीआरआई हो जाता था। जितने भी सरकारी कर्मचारी थे उनको वोट करना ज़रूरी होता था पीआरआई को। अगर वो पीआरआई को वोट नहीं करते हैं तो उनकी सरकार जा सकती थी, सरकार कह रहा हूँ, उनकी जॉब जा सकती थी। साथ में उनकी फैमिली मेम्बर्स को भी पीआरआई को वोट करने के लिए कहा जाता था। तो ये एक फॉल्स आपका डेमोक्रेटिक सेटअप इन्होंने तैयार किया हुआ था। मीडिया हाउसेस को कह दिया जाता था या तो आप अपोजिशन पार्टीज़ को कवरेज नहीं देंगे, उनकी अच्छाइयों को नहीं दिखाएंगे, आप टोटली उनको इग्नोर करेंगे और सिर्फ क्रिटिसिज्म करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये होती थी कि अगर उनको लगता था कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, किसी एक इलाके से अगर वो पीआरआई हारने वाली है, तो वो करते क्या थे कि लास्ट मोमेंट पे जब आपका, मान के चलिए आज आपका 2 बजे से आपका वोट पड़ना होता है, तो वो लास्ट मोमेंट पे 1:30 बजे 1 बजे वो पोलिंग बूथ ही चेंज करवा देते थे। मान के चलिए चेहरा में अगर चुनाव होने वाला है 2 बजे से, तो पोलिंग बूथ चेंज करवा के नागौत लगवा दिए, नहीं तो सतना लगवा दिए। अब आधे घंटे के अंदर कौन नागौत चला जाएगा, कौन सतना चला जाएगा, और कौन वहाँ जाके वोट कर लेगा, और कितने लोग वहाँ जाके वोट कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें पीआरआई अपने चुनाव को जीतने के लिए करती थी, और उसके लिए वो बहुत सारे रिसोर्सेज लगाती थी, साथ में बहुत सारा वो पैसा खर्च करती थी कि वो चुनाव किसी भी तरीके से जीत सके। तो ये जो दोनों तरीका था, चाहे वो मैक्सिकन तरीका हो चाहे वो चाइनीज़ तरीका हो, दोनों ही तरीका आपका फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल में नहीं आते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल में सीन ऐसा है कि एकदम ट्रांसपेरेंसी बनी रहनी चाहिए, टोटल ट्रांसपेरेंसी बनी रहनी चाहिए, और इलेक्शन कमीशन आपका फ्री तरीके से काम करे। रूलिंग पार्टी का जो प्रेसिडेंट है उसको चुनाव में हारने की भी संभावना बनी रहनी चाहिए, और अपोजिशन पार्टी का जो प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है उसको जीतने की संभावनाएँ बनी रहनी चाहिए। यही आपका फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल में आपका आता है। आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी के लिए आपका एक एग्जांपल लिया गया था चाइना और इंडिया का। चाइना और इंडिया में आपका 1958 से 1961 के बीच में एक आपका अकाल पड़ा था, जिसको हम फैमिन कहते हैं, अकाल आप सभी जानते होंगे। तो उस अकाल के दौरान पे चाइना में तकरीबन 3 करोड़ लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, लेकिन इंडिया में ये आंकड़ा बहुत कम था कि लोगों की जान गई हो, ये आंकड़ा बहुत कम था। रीज़न क्या था कि चाइना की जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल नहीं है अपनी जनता के प्रति। रीज़न क्या है इसके पीछे अकाउंटेबल क्यों नहीं है? अकाउंटेबल इसलिए नहीं है क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है पब्लिक की। इनकी पार्टी हमेशा से पावर में है, कम्युनिस्ट पार्टी आपकी हमेशा पावर में रहेगी भी, वो चाहे चुनाव कराए चाहे ना कराए। सी जिनपिंग हमेशा के लिए प्रेसिडेंट है चाइना पे। तो ये आपका अकाउंटेबिलिटी कम करता है जनता के प्रति। अपोजिशन पार्टी का नामो निशान नहीं है चाइना पे, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आपका कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर चलता है, मीडिया आपकी फ्री नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो वो कोई भी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के फेवर में ही चीज़ें दिखाती हैं। तो ये सारे रीजंस हैं आपके एक नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप होने के लिए। अब अकाउंटेबल नहीं है, अपोजिशन पार्टी नहीं है, कोई उसको प्रेशराइज नहीं कर सकता है चाइनीज़ की रूलिंग पार्टी को, तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि जनता मर रही है नहीं मर रही है, जनता किस चीज़ से मर रही है, भुखमरी से मर रही है, अकाल पड़ रहा है, कोई बहुत बड़ी डिसीज़ आ गई है, महामारी आ गई, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको सिर्फ इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि उनकी सरकार चलती रहे, उनका जलवा कायम रहे, बस। लेकिन इंडिया में ठीक इसका उलट है। इंडिया में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में सीन ये होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है या अपोजिशन पार्टी होती है वो डायरेक्ट इलेक्ट होके आती है पब्लिक के द्वारा। तो पावर्स पब्लिक के हाथ में होती है, और गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है पब्लिक के लिए,
है ना, जो हम चुनते हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और उनको हम चुनते हैं, तो इसलिए वो अकाउंटेबल होते हैं हमारे लिए। अब अगर रूलिंग पार्टी अगर कोई गलत काम कर रही है या जनता का पब्लिक वेलफेयर के तौर पे काम नहीं कर रही है, तो जनता के पास भी पावर्स होती हैं। कैसी? कि हमको लोकतंत्र में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमको ये पावर दी गई है कि हम अपना विरोध जता सकते हैं, हम सड़कों पर निकल के प्रदर्शन कर सकते हैं, हम रैलियाँ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, हम हंगर स्ट्राइक पर जा सकते हैं, हमारी मीडिया फ्री है, वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकती है, वो गवर्नमेंट के हर एक पार्ट को दिखा सकती है जहाँ पे वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। हमारे पास एक सोशल मीडिया की पावर है जिस पे गवर्नमेंट का उतना मतलब, हम वहाँ पे अपने विचारों को खुल के लिख सकते हैं, हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इनकरेज भी कर सकते हैं और डिस्करेज भी कर सकते हैं। जो अदर पार्टीज़ भी हैं, अपोजिशन पार्टी हैं, वो भी आपका प्रेशराइज़ कर सकती है गवर्नमेंट को कि आपकी जो नीति है, आपकी जो स्कीम है, पॉलिसी है, ये ठीक नहीं है जनता के प्रति। और इसके बाद आपका एक बड़ी संस्था है सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट भी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना सकती है, उसे क्रिटिसाइज़ कर सकती है, उसके किसी भी लॉ को रोक सकती है, होल्ड कर सकती है। तो ये फ़र्क है आपका एक डेमोक्रेटिक सेटअप होने का और नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप होने का। डेमोक्रेसी में जनता की खुशहाली तय है, जनता अपने जनता के पास बहुत सारे राइट्स हैं, बहुत सारे पावर्स हैं, सरकार को चेंज करने तक की पावर है। लेकिन एक नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में आप चाइना का उदाहरण देख सकते हैं, आप मैक्सिकन गवर्नमेंट का उदाहरण देख सकते हैं, आप साथ में जिम्बाब्वे का उदाहरण दे सकते हैं, जो जानू पीएफ की जो गवर्नमेंट थी उसका उदाहरण देख सकते हैं। तो ये सारी नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप है और इसमें पब्लिक का कोई बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ओके okay.